अभी एक हत्यारा अरेस्ट हुआ है, प्रियंका का हत्यारा, और हमें उम्मीद भी थी कि कोई मोहम्मद जैसा ही एक व्यक्ति इस तरह का घटिया काम किया होगा, और एक अरेस्ट हुआ, अभी 3 अरेस्ट होना बाकी है। ये बहुत ही दर्दनाक इशू है, ये बहुत ही दर्दनाक मौत उन्होंने दी है। तो अब देखना ये है कि पुलिस जैसे आज एक को गिरफ्तार किया है और 3 को कब तक गिरफ्तार करती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शाही उड़ा कैद से परिंदों को बताकर, टकराओ सलाखों से उड़ो खूह में नहाकर, बाजू पे भरोसा है तो फिर भीख ना मांगो, पछताओगे इस दौर में जंजीर हिलाकर। आज अल्पसंख्यक विकास वक्फ फाउंडेशन की तरफ से जिनसी फाउंडेशन में जो निवेदन दिया गया, उस निवेदन का विषय ये है कि 28 तारीख को हैदराबाद में जो हमारी बहन प्रियंका रेड्डी के पास जो घटना घटी है, एक रेप उसके साथ में बलात्कार हुआ और उसके साथ में जो 4 आरोपी थे, जबकि पुलिस ने उनको अरेस्ट भी किया गया है, और इसी को घटना को जो राजा सिंह जो आमदार है हैदराबाद का, उसने उस घटना को जो तो एक समाज से जोड़ने की जो तो एक कोशिश की है, उन्हें 29 तारीख को एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्हें जो तो सिर्फ एक वीडियो जारी किया, उसमें ये कहा कि हमें उम्मीद थी कि मोहम्मद जैसा ही कोई व्यक्ति ऐसी घटना कर सकता है। तो उन्हें साफ तौर से जो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुकद्दस के बारे में हमला किया और उस घटना को, उसके नाम को उन्हें दुरुपयोग किया, जबकि हमारा ये कहना है और जबकि इस्लामी शरीयत के एतबार से भी जो गुनाह है, जो बलात्कार है, हमारी ये मांग है कि भाई उनको जो तो सज़ा दी जाए, उनको फांसी पर लटका दिया जाए, उनको चौरासे पर लाकर फांसी दी जाए, पर किसी घटना को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। वह जब आप उस शख्स का नाम है, हम मानते हैं उसका नाम मोहम्मद है, तो उसका नाम उन्हें इस तरह के से लिया गया है बिल्कुल तासुब के साथ, और उस घटना को इस्लाम के जरिए जोड़ना चाह रहा है, तो हम इस घटना का निषेध करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। और हम जिनसी पोलिटिशन पी आई साहब से हमने बात की, उनसे कहा कि राजा सिंह के वजह तो गुनाह दाखिल किया जाए, उनका हमेशा का ऐसा ही है। राजा सिंह जो है तो दो समाजों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का काम करता है, दो समाज बीच में नफरत का माहौल बनाना चाहता है। तो हम चाहते हैं इस पर जो तो सख्त कार्रवाई हो, और उस पर जो तो सख्त कार्रवाई हो।